जब जांच सीबीआई से होगी हम अपनी मांग पर अडिग रहेंगे। अभी विधायक दल की बैठक में हम निर्णय करेंगे और सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानी तो सदन से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को और पैना करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका मन नहीं है लेकिन वो भारी मन से खुश नहीं है। मुख्यमंत्री जी का बयान बचकाना बयान है। कभी वो कहते हैं कि केंद्र के इशारे पर हम सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष की नौटंकी और प्रतिपक्ष के बचपना से हमने ये किया। अगर हमारे ही दबाव में मुख्यमंत्री जी ये काम कर रहे हैं तो उनको सलाह देता हूँ एक दबाव और मान लें और मामला सीबीआई को सौंप दें। लेकिन सीबीआई से पहले रीट लेवल फर्स्ट जो है, निश्चित तौर पर रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों की परीक्षा केंद्र एक थे, दोनों के अंदर परीक्षा में प्रिंटिंग प्रेस पेपर छापने वाली एक थी, दोनों को आयोजक एक थे। तो इतना कितना ईमानदार चोर होगा जो रीट लेवल फर्स्ट के पेपर को छोड़ता है, रीट लेवल सेकंड के पेपर को चुनता है। मैं समझता हूँ ये कुछ लोगों को बचाने की साजिश है। पूरी रद्द करनी है तो पूरी परीक्षा रद्द करनी है। निश्चित तौर पर अलवर के अंदर जिस प्रकार एक मंद बुद्धि की बालिका के साथ अन्याय हुआ है, पुलिस यूटर्न पर यूटर्न मारती चली गई, आज भी वो चेहरे सामने नहीं है। हम सब चीजों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पर जो हमला हुआ उसका भी पुरजोर जवाब देंगे हम। लेकिन मुख्यमंत्री तौर पर पूरा विधायक दल प्रदेश अध्यक्ष के असेंबली की बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा, सभी विधायक उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो ड्यूटी में लगे हुए हैं पंजाब रिव्यू में वो सही। बूंदी की घटना के बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जाने पक्ष विपक्ष को क्या हो गया है जो ऐसा कर रहे हैं, नाथी का बाड़ा लिख रहे हैं वहाँ कर रहे हैं वो। देखिए नाथी का बाड़ा सम्मानजनक शब्द है, मुख्यमंत्री जी अपने इतिहास की जानकारी को दुरुस्त कर लो।